नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। भगवान श्री रामलला के दरबार में दर्शन पूजन करने के बाद चल रहे मंदिर निर्माण कार्यों को देखने के लिए भी पहुंचे, जहां उन्हें प्रोजेक्टर के जरिए मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को तस्वीरों के माध्यम से बताया गया। तो वही भगवान के गर्भगृह स्थल पहुंचकर माथा भी टेका। देश के उपराष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन से अयोध्या के रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां पर उनका भव्य स्वागत के बाद उनका काफिला राम जन्मभूमि परिसर पहुंचा और कड़ी सुरक्षा के बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने श्री रामलला का दर्शन पूजन किया, जिसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण का जायजा लेने भी पहुंचे। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व अन्य सदस्यों ने रामनामा देकर स्वागत किया और प्रोजेक्टर के माध्यम से मंदिर के न्यू निर्माण से लेकर भव्य और सुंदर मंदिर निर्माण तक के होने वाले प्रत्येक पहलुओं की जानकारी दी, जिसके बाद वहां से निकलकर भगवान श्री रामलला के गर्भगृह स्थल पहुंचे, जहां पर जल अर्पित कर आरती पूजन किया और माथा टेका। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण की जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने न्यू निर्माण से लेकर चल रहे मंदिर निर्माण के प्रत्येक पहलुओं की जानकारी दी। तो वहीं आगे होने वाले कार्यों को भी प्रोजेक्टर के जरिए भव्य मंदिर का दर्शन कराया। इस दौरान बताया कि 2023 दिसंबर तक भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे। न्यूज़ 9 भारत के लिए संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट।